हर इंसान की बस एक ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि किस तरीके से हम AI के थ्रू और सबसे सस्ते रेट में एक सिंपल वेबसाइट बना सके। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रैक्टिकली ट्यूटोरियल पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से आप सबसे सस्ते रेट में AI से एकदम इजीली सिंपल खुद ही एक घंटे के अंदर अपनी बिजनेस के लिए किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो। इस ट्यूटोरियल को पूरा फॉलो कीजिए। इस ट्यूटोरियल में पूरा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। आपको सिंपली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है और इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक से hostinger.in का स्पेशल पेज खुल जाएगा। होस्टिंगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वेब होस्टिंग भी ले सकते हो, आप डोमेन भी ले सकते हो, और तो और आप यहीं से ही पूरा वेबसाइट बिल्डर है, यहाँ पे आप वेबसाइट भी बना सकते हो। बहुत सारे लोग को नहीं पता था, बेसिकली एक वेबसाइट बनाने के लिए ना तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो रहता है आपका डोमेन नेम रहता है, जो आपका वेबसाइट का नेम रहता है। फिर होता है आपका होस्टिंग, जहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो होस्ट होती है, यानी कि जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करके रखते हो। और तीसरा होता है आपका प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट बनाते हो। तो ये तीन चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अब सबसे बढ़िया क्या चीज़ है होस्टिंगर में, ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पे है। तो एक ही जगह पे जा करके आप तीनों चीज़ों से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग वगैरह या टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली hostinger.in पे जाइए। कुछ इस तरीके का आपको लैंडिंग पेज आएगा वेबसाइट का। यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है होस्टिंग पे। आपको होस्टिंग परचेज करना है, क्यों वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको होस्टिंग के साथ डोमेन आपको फ्री में मिल जाता है। तो डोमेन का अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 600-800 रुपये आपको डोमेन का लग जाएगा, और फिर होस्टिंग का प्राइस आपको अलग से लगता है। तो यहाँ पे आप एक बार में लेंगे ना, तो आपको होस्टिंग और डोमेन ये दोनों चीज़ों का प्राइस एक जगह पे आपको मिल जाएगा, और डोमेन है आपको ये फ्री में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं 69 रुपीज़ पर मंथ का भी प्लान है, 129 रुपीज़ पर मंथ का भी प्लान है, 249 वाला भी प्लान है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रीमियम प्लान सजेस्ट करूँगा। आप इसको ले सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। आपको अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब जो ट्रस्टेड वाला सर्टिफिकेट होता है वो होता है। फिर आपको फ्री ईमेल यहाँ पे मिल जाता है, आपको अनलिमिटेड ब्रैंडविड्थ मिल जाती है, फ्री डोमेन मिल जाती है, आपकी वेबसाइट एकदम स्मूथ चलेगी, कितने भी लोग आ जाए कोई हैंग नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। आपको सिंपली इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। आपको किस तरीके से क्लेम करते हैं, कैसे बनाते हैं, पूरा मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईयर वाला प्लान लें, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। एक महीने का लोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, 650 रुपीज़ का करीब का पड़ेगा। और अगर आपका बजट है तब तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 4 साल का एक साथ ले लो। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो 129 का आपको पड़ेगा। फिर जैसे ही आप लेंगे आपको यहाँ साइन इन करने बोलेगा, मेरा ऑलरेडी साइन इन हो रखा है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है पे करने की, UPI से भी पे कर सकते हो, PayTM से भी कर सकते हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया ये चीज़ है आप सभी के लिए स्पेसिफिकली, कि अगर आप कूपन कोड में यहाँ लिखोगे सोशल सेलर तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाना चाहिए भाई। ये देखो कूपन अप्लाई हो जाएगा और आपको अच्छा खासा बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सबमिट सिक्योर पेमेंट पे जाना है आपको, अपनी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ आप फिलअप कर दीजिए, एंड यहाँ पर आप अपने तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे 3,000 रुपये का पेमेंट आ रहा है, जिसमें आपको फ्री में डोमेन भी मिल रहा है और आपको 1 साल तक के होस्टिंग भी मिल रही है। तो जैसे ही आप परचेस करेंगे, आप अकाउंट पे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपका अकाउंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसा अकाउंट दिखेगा आपका। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा है पेंडिंग सेटअप, मतलब आपको यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हो खुद से ही। लेकिन उसके पहले यहाँ लिखा है क्लेम योर फ्री डोमेन एनी टाइम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डोमेन क्लेम करेंगे। अपना डोमेन क्लेम करने के लिए हमको यहाँ पे क्लेम डोमेन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालना है। तो देखिए ये डोमेन अवेलेबल है, हम यहाँ पे सिंपली क्लेम डोमेन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब ये कंपनी की है, सेटअप नेक्स्ट। यहाँ पे अपना डिटेल डालना है हमको, तो मैं अपना डिटेल डाल देता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, तो हमारा डोमेन रजिस्टर हो रहा है फटाफट। Completed, great news, continue। अब यहाँ पे हम no need, प्लान अपन ने ऑलरेडी खरीद लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। Skip, I don't need a website। Okay, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं connect your website to your hosting plan। यहाँ पे हम start now पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है who are you creating website for, किसके लिए बना रहे हो वेबसाइट। तो यहाँ पे I am creating for myself, अपने लिए बना रहे हैं, ठीक है। I am building फॉर माई सेल्फ,
अब आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो, अपना ब्लॉग बना रहे हो, अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो, क्या बना रहे हो वो आप बता दो। सो भैया मैं यहाँ पे ब्लॉग सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरू में ब्लॉग से चालू करते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो तो बिजनेस सेलेक्ट कर लो। ब्लॉग सेलेक्ट करने के बाद यस आई एम अ बिगनर, फिर उसके बाद यहाँ दोस्तों आपको दो ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट या माइग्रेट माय वेबसाइट। तो हम तो नई वेबसाइट बना रहे हैं तो क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। फिर अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट अ प्लान। अब यहाँ पे आप दो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप वर्डप्रेस से भी वेबसाइट बना सकते हो या फिर आप एआई बिल्डर से भी वेबसाइट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एआई बिल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे चूज़ अ कस्टम डोमेन। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डोमेन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट कर लेना है उसको। आप देख रहे हो दोस्तों कितना ईजी है, पहले यही चीज़ करने में एक एक हफ्ता का समय लग जाता था सारी चीज़ें सेटअप करने में, लेकिन अब सारी चीज़ें आप देख सकते हो 10 मिनट के अंदर पूरी सेटअप हो गई है। यहाँ पे आ गया लेट्स एआई क्रिएट यू अ वेबसाइट इन मिनट्स, स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करेंगे। ब्रांड का नाम डाल देते हैं हम सोशल सेलर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ब्लॉग डाल दिए टाइप में वी आर ए लीडिंग वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एजेंसी इन रायपुर, रायपुर से हैं तो रायपुर लिख देते हैं। तो अब मैंने एक छोटा सा अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिया, अब एआई क्रिएट करेगा अपने आप से, ये डिस्क्रिप्शन लिखेगा अपने आप से, पूरा सारी चीज़ें ये अपने आप से करेगा। और बस अब एआई को बनाने देते हैं वेबसाइट और आप अब आराम से रिलैक्स करो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑल राइट, सो एआई ने एक ज़बरदस्त टेम्पलेट बना दिया है पूरी वेबसाइट का और यहाँ पे हमारे पास पूरा पैनल आ चुका है। सो यहाँ पे हमारी मेन इमेजेस आ चुकी है जिसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, अपने हिसाब से हेडर सेक्शन को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ मैं एडिट हेडर पे करूँगा। अब मेरे को अगर लोगो डालना है तो मैं अपने खुद के यहाँ पे लोगो भी डाल सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर मुझे अगर ब्लू कलर का करना है तो मैं अपनी कंपनी के हिसाब से उसको ब्लू कलर का सेट कर सकता हूँ। लोगो का साइज़ अगर बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे लोगो का साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, इस स्टाइल पे भी कर सकता हूँ, इस स्टाइल पे भी कर सकता हूँ, ये सबसे बेस्ट है। अब सबसे पहले ऊपर हेडर का जो कलर है इसको मैं वाइट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि ये वाइट ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब नीचे के सेक्शंस को अगर चेंज करना है तो यहाँ से एडिट सेक्शन पे गए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर पे चेंज करना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करके हम वाइट कलर कर दिए, ठीक है। ये इस इमेज को हमको अगर यहाँ पे रखना है तो ये इमेज को हम यहाँ से बड़ी इमेज कर दिए। अब सारी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप है। अब अगर मुझे इस इमेज को हटाना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस इमेज को एंड सिंपली इस टेक्स्ट को एडिट करता हूँ, यहाँ से फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ। यस, अब देख सकते हैं धीरे धीरे पूरा ऐसा स्ट्रक्चर करके एक एक मेरे पास एक एक सेक्शन बन चुके हैं। सेक्शन पे जाऊंगा, एडिट करूंगा, सेक्शन का मैं कलर चेंज कर सकता हूं यहां से। अब अगर मेरे को इसको वापस सपोज ब्लैक कलर का करना है तो मैं इसको ब्लैक कलर का कर दिया। यहां पे टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कलर का कर सकता हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का अगर कलर है इसका चेंज करना है तो एडिट टेक्स्ट किए, यहाँ से इसका कलर जो है ये वाइट कलर का कर लिए। तो कुछ इस तरीके से आप खुद से ही पूरी वेबसाइट को ए टू जेड पूरा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और बना सकते हो। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर आपको बटन लगाना है तो आप बटन को ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये देखिए बटन आ गया, ठीक है। अब आपको बटन जो है वो यहाँ पे चाहिए, ये वाला बटन आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। ये वाला आपको बटन चाहिए तो आप यहाँ पे ये लंबा सा एक बटन डाल सकते हो, डन। और ये बटन पे मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ तो इसको एडिट करूँगा और इस पर लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब क्या होगा उस बटन पे वो भी हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो उस बटन को दबाने से कोई फाइल डाउनलोड होगी या फिर कोई सेक्शन पे जाएगा या फिर कोई वेब एड्रेस पे जाएगा तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी व्हाट्सएप की लिंक डाल सकता हूँ तो व्हाट्सएप कोई भी करेगा तो उसको व्हाट्सएप हो जाएगा। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल पे गए, स्टाइल पे फिल कलर, और अक्सर जो व्हाट्सएप का कलर होता है ग्रीन कलर का होता है तो यहाँ पे डाल दिए। और इसके बाद आप जो होवर कलर है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो वाइट कलर का कर दिया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप है पूरा, कम्प्लीटली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो।
और तो और दोस्तों, अपने क्लाइंट्स के लिए भी आप वेबसाइट इससे बना सकते हो। सो ये बहुत अच्छा वेबसाइट बिल्डर है, ईजी टू यूज़ है। आपको और सेक्शन बनाना है यहाँ पे, अगर तो ऐड अ पेज में गए और अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि कौन सा पेज आपको चाहिए। जैसे आपको कॉन्टैक्ट वाला पेज चाहिए, प्रोजेक्ट्स वाला पेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स वाले पेज को सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से एंड सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं इमेजेस डाल सकता हूँ, अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल सकता हूँ, सारी चीज़ें अपना है अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। सो कुल मिला के यहाँ से हम अलग अलग एलिमेंट लिख सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो किस तरीके से होती है। हम होम सेक्शन में गए, हमको यहाँ पर एक वीडियो चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, वीडियो चाहिए। तो हम यहाँ पे इस सेक्शन को थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करते हैं और वीडियो पे जाते हैं। अब ये देखो यूट्यूब की एक वीडियो आ गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत अल्टीमेट। इस वीडियो को मैं यहाँ पे इजीली डाल सकता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और राइट दोस्तों, देख सकते हो कितने सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस है जहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हो। अभी तो मैं बिल्कुल भी कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई अच्छे से यूज़ नहीं किया हूँ, बट यहाँ से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो अपने, और यहाँ से आप अलग अलग वेबसाइट के जो स्टाइल्स है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जो जो कलर आप यूज़ कर रहे हो। आप जो भी ब्लॉग लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐड न्यू पोस्ट किए, ब्लॉग का टोन कैसे लिखना है वो आप लिख सकते हो, वर्ड्स लिख सकते हो, यहाँ पे टॉपिक दे दो। तो राइट ए ब्लॉग स्टार्टिंग ए न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, अब ये इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से अपने खुद का कंटेंट जनरेट कर लेगा। मुझे कंटेंट अलग से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से अलग से क्रिएट कर लेगा। आप देख सकते हो मेरा एक ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप मोबाइल में किस तरीके से दिखेगी वेबसाइट वो भी देख सकते हो, कंप्यूटर में किस तरीके से दिखेगी वो भी देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट ईजिली लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं गो लाइव करूँगा और यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो अब मेरी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी। यहाँ पे अब मुझे व्यू योर साइट पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरीके से लाइव होके प्रीव्यू हो जाएगी। तो दोस्तों ये था एकदम सिंपल ट्यूटोरियल कि किस तरीके से आप AI के थ्रू अपने खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो सिर्फ 10-15-20 मिनट में, दैट्स इट। और ऐसी वेबसाइट बना के आप ऑनलाइन बेच भी सकते हो। कैसे भेजना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।